अफ्रीकी देश युगांडा के एक स्कूल को आतंकियों ने निशाना बनाया। हमले के पीछे आईएसआईएस से जुड़े संगठन एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी एडीएफ के आतंकियों का हाथ बताया गया, जिसमें 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और उन्होंने हमले के बाद स्कूल में आग लगा दी। अफ्रीका के मीडिया ने दावा किया कि इस हमले के पीछे आईएसआईएस से जुड़े संगठन एडीएफ के आतंकियों का हाथ था। मीडिया रिपोर्ट में इसे युगांडा में पिछले 25 सालों में हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला बताया गया, जिसमें 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और आतंकियों ने 6 लोगों को किडनैप भी किया। हमले में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मीडिया ने दावा किया कि हमले के बाद आतंकी कांगो भाग गए। हमले में 20 से 25 आतंकियों के होने का दावा किया गया। गाजियाबाद में गेमिंग ऐप से धर्मांतरण मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दो के पास से पुलिस और जांच एजेंसियों को 6 ईमेल का डेटा बरामद हुआ है। सूत्रों के मुताबिक शनिवार को जब बद्दो उर्फ शाहनवाज को गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया गया, तो उसके बाद उसके पास से बरामद सभी संदिग्ध ईमेल का डेटा हासिल करना बड़ी चुनौती थी, जिसे अपने कब्जे में लेने के लिए जाँच टीमों को तकरीबन 10 घंटे लग गए। इन सभी संदिग्ध ईमेल पर शुरुआती जाँच में ही पुलिस ने तफ्तीश में चौंकाने वाले खुलासे किए थे। दरअसल बद्दो के पास से मिली ये वही ईमेल आईडी है जिनके अंदर कई जीबी में डेटा पड़े होने का दावा किया जा रहा था, और यही वजह थी कि पुलिस टीमों को 2 दिन इस डेटा को हासिल करने में लग गए। ये ऐसी ईमेल है जिनका लिंक सीधा पाकिस्तान से जुड़ रहा है, इसलिए बद्दो इन ईमेल आईडी को गायब कर चुका था, लेकिन एक्सपर्ट ने सभी डिलीट किए गए डेटा को रिकवर कर दिया। अब तक की जांच में बद्दो का कनेक्शन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जुड़ा दिख रहा है, जिसकी जाँच के लिए अब एजेंसियों ने पहला पड़ाव पार कर लिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले जेपी नड्डा बंगाल के बागडोगरा में लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे, और उसके बाद वो दोपहर करीब 12:30 बजे सिक्किम के नामची पहुंचेंगे, जहां वो एक जनसभा में शामिल होंगे, और फिर वो असम के शिवसागर जाएंगे, जहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मोबाइल चोरी के शक में युवक को पेड़ से बांधकर पीटने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वैर गांव का बताया जा रहा है, जहां धन विशेष के युवक पर मोबाइल चोरी का आरोप है। पैर अड्डे पैसे इन लोगों ने गायब कर लिया, 2 गाड़ियों पे ये लोग थे। अब हम तो दवा हो गया था, आ जाओ फैसला कर लो। मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। इसका संज्ञान लेकर के परिवार से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शामली में लव जिहाद के आरोप में हिंदू संगठन के लोगों ने थाने में प्रदर्शन किया। आरोप है कि आदमपुर गांव में धर्म विशेष के युवक ने एक हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाकर उससे भागकर शादी कर ली। मामले में परिवार ने पुलिस के सामने इंसाफ की गुहार लगाई है। अपना फैसला कर लो, केस वापसी ले लो, वरना हम आपको गोली मार देंगे। वहीं हिंदू संगठनों ने कार्रवाई नहीं होने पर महापंचायत बुलाने की चेतावनी दी है। एक मुस्लिम लड़की से विवाह और 5 हिंदू लड़कियों से विवाह किया है, ये सब लविंग जिहाद के नाम पर हो रहा है। जनपद बागपत को भी कम्युनिकेट कराया गया है कि जो अभियोग पंजीकृत है वहाँ उसमें अपहरिता की जल्दी से जल्दी बरामदगी सुनिश्चित करें। आरोपी युवक पर 1 से ज्यादा शादी करने का आरोप है। और दिल्ली से बड़ी खबर है, जहाँ पुलिस ने ड्रग्स के साथ नाइजीरियाई मूल के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि आरोपी प्रतिबंधित एमजीए में ड्रग्स सप्लाई करने पहुंचा था, तभी पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के पास से काफी मात्रा में ड्रग्स भी जब्त कर लिया, साथ ही उसके स्कूटर को भी अपने कब्जे में ले लिया। जब्त ड्रग्स की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और उधर हैदराबाद में एक छात्रा ने परीक्षा के दौरान बुरखा उतरवाने का आरोप लगाया है। छात्रा का आरोप है कि शुक्रवार को बुर्का पहनकर वो परीक्षा केंद्र पहुंची थी, जहां बुर्का पहने होने पर कर्मचारियों ने उन्हें परीक्षा हॉल में बैठाने से इनकार कर दिया। परीक्षा देने से पहले उन्हें आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा और परीक्षा देने के लिए अपना बुर्का हटाना पड़ा। मामला सामने आने पर तेलंगाना के गृह मंत्री ने नाराजगी जताई है। जो चाहे वो ड्रेस पहन सकता है, मगर ड्रेस बिल्कुल ऐसा मत पहनिए, यूरोप की तरह पहनेंगे तो अच्छा रहेगा, हालात खराब होंगे। मोहम्मद महमूद अली ने मामले को पूरा समझने के बाद उचित कार्रवाई की बात कही। ताजमहल के प्रतिबंधित इलाके में रील्स और वीडियो बनाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर ताजमहल परिसर का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की ताजमहल के मुख्य गुंबद पर रील शूट करती नजर आ रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक मुख्य गुंबद पर वीडियोग्राफी करना सख्त मना है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि लड़की मुख्य गुंबद के पास डांस कर रही है। भले ही सीआईएसएफ के सुरक्षा कर्मी ताजमहल पर अपनी पैनी नजर रखने का दावा करते हों, लेकिन ये वीडियो उनके दावों की पोल खोल रहा है। और उधर चित्रकूट में विकास प्राधिकरण के मानकों को ताक में रखकर बनाई गई 4 मंजिला बिल्डिंग पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई।
दरअसल स्टेशन रोड इलाके में एक महिला ने 4 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग को बनवाया था, जबकि विकास प्राधिकरण से बेसमेंट और 2 फ्लोर का ही घरेलू नक्शा पास है। ऐसे में जब इसकी सूचना अधिकारियों को मिली तो वो बुलडोजर लेकर उसे गिराने पहुंच गए। नक्शा पास है, बेसमेंट ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड पास है, उसके बाद अनलीगल है। विकास प्राधिकरण ने बिल्डिंग के ऊपरी 2 फ्लोर और बिल्डिंग की दुकानों को तोड़ दिया है। मध्य प्रदेश के भिंड में कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ग्राम अकलोनी में वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान कुछ शख्स हर्ष फायरिंग करने लगे। इस दौरान एक गोली वहां मौजूद शख्स के सिर में लग गई, जिसने उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं दूसरा शख्स गोली लगने से जख्मी हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस द्वारा तत्काल इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें जुट गई हैं। और उधर इसराइल में नए कानून के खिलाफ एक बार फिर लोगों का गुस्सा भड़क गया और वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के विरोध में हजारों लोग तेल अवीव शहर में सड़कों पर उतर आए और इसराइल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौरान गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने चारों तरफ से सड़क जाम कर दिया और पोस्टर बैनर लेकर जमकर नारेबाजी की। वहां इतने लोग इकट्ठा हो गए कि पैर रखने तक की भी जगह नहीं बची। काफी देर तक वहां प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लोग प्रदर्शन करते रहे और हर तरफ सिर्फ गुस्साई भीड़ नजर आई, जिससे वहां रास्ता बंद हो गया और बेकाबू प्रदर्शनकारियों को रोकना पुलिस के लिए मुश्किल हो गया। असल में वहां नेतन्याहू सरकार ने न्यायपालिका के अधिकारों को कम कर दिया, जिसके खिलाफ ये प्रदर्शन पिछले 2 महीनों से जारी है।